हमें कॉल आई कि सड़क पे एक बूढ़ा कुत्ता रहता है और उसको किसी ने पूरी तरह पीट दिया है। तो हम गए तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको उठाने की कोशिश करें तो वो दर्द से चिल्लाता था। तो खैर हम उसे ले आए फार्म पे, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई इसकी टांगे पीछे की चल भी रही हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या है कि हम पिंच करते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई वो प्रतिक्रिया देता है या नहीं। तो उसने बिल्कुल कोई हरकत दिखाई नहीं, तो ये चिंताजनक बात थी। उसके बाद हम इसको एक्सरे के लिए पालमपुर ले गए, वहां पे पता लगा कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और पैरों में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके चांसेस जो हैं ना के बराबर थे। पर अगले कुछ दिनों में इसके पैरों में थोड़ी थोड़ी हरकत आना शुरू हुई, तो हमारा भी बड़ा हौसला बढ़ा। तो हमने इसकी फिजियोथेरेपी शुरू करी, हम इसके पीछे के पैरों को सहारा देते और इसको चलाते। अब जो सारा जोर है वो इसके आगे वाले पैरों पे पड़ता था, तो इसके आगे वाले पैरों की भी फिजियोथेरेपी करनी शुरू की। तो होते होते ये ठीक होना शुरू हो गया, इसने भी खूब हिम्मत दिखाई और फिर ये तो ऐसे चलना शुरू हो गया कि भाई भागना शुरू हो गया। तो देखिए, मतलब उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतनी बड़ी उम्र में भी इसने पूरी रिकवरी कर ली। अब हम चाहते नहीं थे कि ये वापस वहां जाए जहां से आया है, जहां पे ऐसे लोग हैं जो इसको मारें। और उस समय जो अडॉप्शंस हैं वो काफ़ी कम थी, अब तो पिछले कुछ साल में इंडिया में अडॉप्शंस बढ़ गई हैं। तो उस समय हमने फिर कनाडा की एक नॉन प्रॉफिट है उन्हें संपर्क किया, तो उनके टच में एक ऐसा परिवार था जो बूढ़े कुत्ते लेता था। कई लोग ऐसा होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम बूढ़े कुत्ते ले लेंगे, उनके आखिरी के साल अच्छे कट जाएंगे, या विकलांग कुत्ते वो अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन कुत्तों को और कोई घर मिलता नहीं। तो ऐसे ही एक परिवार ने रोजिन को अडॉप्ट कर लिया और फिर डॉक्टर चौधरी हैं दिल्ली में, उनकी मदद से ये कनाडा पहुंचा और अब ये अपनी जिंदगी के आखिरी साल वहां पे चैन से काट रहा है।